हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी खीर। और ये जो आप देख रहे हैं कैन, अमूल का मिठाई मेट है और इसका प्राइस है 56 रुपीज़। इसे हम खीर में मिलाएंगे और बनाएंगे हम एक स्वादिष्ट खीर जिसका नेट वेट है 200 ग्राम। और दोस्तों, इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स में मिलता है शुगर और ये साथ ही इसमें ये दिया गया है हमें कैसे इसे बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं आपको इसे बना के बताऊंगी कि इसे हमें किस तरह से यूज़ करेंगे हम। और इस कैन में हमें कंडेंस मिल्क मिलता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें दूध मिलता है और साथ ही हमें शुगर भी मिलता है। और दोस्तों, मैंने हमेशा जब भी खीर बनाया है और अमूल का ये जो कंडेंस मिल्क है, जब मैंने इसको ऐड किया तो खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो आज मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई और इसमें जाएगा 2 चम्मच घी, घर का बना हुआ घी मैंने लिया है। और इस कैन में लिखा है हमें कि थोड़ा सा चावल पहले बॉईल करना है हमें दूध के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 चम्मच घी डाल दिया है और थोड़ा चावल लिया है मैंने, आधा छोटा बोल धो लिया है। साफ़ सुथरा धोने के बाद इसमें हम डालेंगे घी में और थोड़ा सा इसे चलाएँगे, भूंजेंगे घी के साथ। और घी के साथ भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो आपके पास घर में जितना दूध है, 1 गिलास 2 गिलास या फिर 3 गिलास भी आप ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 2 गिलास दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ। और साथ ही ये मलाई वाला दूध है मेरे पास, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सादा दूध भी ले सकते हैं। और इसको हम डालेंगे। और दोस्तों, मैंने कढ़ाई में आपको बता दिया है कि हमें पहले चावल को घी के साथ मिलाना है और फिर दूध डालना है, लेकिन ये कढ़ाई में ये चावल पकेगा नहीं, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और साथ में लिया है छोटा कुकर और कुकर में मैंने इसे निकाल लिया है कढ़ाई से। और इसमें हम 2 से 3 सीटी करेंगे कुकर की। और ये देखिए, बहुत जल्दी ये चावल पक चुका है। तो वापस से मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और ये देखिए, चावल बहुत जल्दी पक चुका है कुकर की मदद से। अब इसमें मैं जा रही हूँ डालने कंडेंस मिल्क, तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसे हमें इस तरह से खींचते हुए निकालना है, आराम से ये निकल आता है। और ये देखिए, ये 200 ग्राम का है, 56 रुपीज़ का, जिससे दोस्तों 4 पर्सन ईजिली इससे खीर बनाकर आप खा सकते हैं। दिखने में ऐसा दिखता है ये। तो चलेंगे, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं। गैस को मैंने चालू रखा है और मैंने सारा का सारा ले लिया है, इसमें डाल दिया है दूध में और इसे हम चलाएंगे। और इसे डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक बॉईल करना है, उबाल आने देना है हमें, फिर उसके बाद हमें इसे बंद कर देना है और खीर बनके हो जाएंगी तैयार। तो साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, इलायची भी लिया है, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। और कलर के लिए भी मैंने इसमें लिया है ऑरेंज कलर, फूड कलर लिया है। दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये डालते हैं तो आपको इससे आपके खीर का कलर और भी अच्छा लगेगा आपको। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। और अब इसमें हम करेंगे बॉईल। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी है। शक्कर मैंने नहीं डाला है, शक्कर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंडेंस मिल्क बहुत मीठा है, इसमें शक्कर ऑलरेडी है। और अब देखिए, उबाल भी आने लग गई है। और देखिए, उबाल जस्ट आने देते हैं हम, 2 से 3 मिनट तक इसे हम इसी तरह से उबाल लेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुका है और अच्छे से ये खीर बनके तैयार हो गई है। और दोस्तों, इस तरह से हमें ये बनाना है अमूल मिठाई मेट से। अगर आप खीर बना के देखते हैं तो आपको इसका टेस्ट अलग लगेगा और जब भी आप खीर बनाएंगे तो आपको इस अमूल मेट मिठाई की याद ज़रूर आएंगी। कंडेंस मिल्क आपकी इच्छा होंगी डालने की, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। और अगर आपके घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं, उनके लिए अगर आप बनाते हैं तो वो आपकी काफ़ी तारीफ़ करेंगे। ये मुझे लगता है काफ़ी तारीफ़ आपकी मिलेंगी आपको अगर आप इस तरह से बनाते हैं खीर को। तो दोस्तों, ये देखिए, ये अभी थोड़ा ठंडा भी हो गया है और थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है। और कलर भी देखिए आप, कितना अच्छा दिख रहा है इसका। तो दोस्तों, अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।